अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं अजीम अरबिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने 1 से 20 तक गिनती बताई थी, आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब अगर कोई नया यहाँ पर आता है तो किस तरीके से बात करते हैं। हो सकता है आपको अरबी पता हो लेकिन किसी और को ना पता हो, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैफ हालिक? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, कोइस। अगर वो आपका नाम पूछता है, एश इस्मक, आपका क्या नाम है, तो मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, तो मैं बताऊंगा अना मोहम्मद अजीम। आपका जो नाम है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद अगर वो आपसे पूछता है इंता जदीद, आप नए हो, तो आप बोलेंगे अयो अना जदीद। अगर आप पुराने हैं तो आप बोलेंगे ला अना गदीम। अगर वो आपसे पूछता है मिनवाइन इंता, यानी आप कहाँ से हैं, अना हिंदी। अगर आप हिंदी हैं तो बता दें अना हिंदी। या आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अना बोल के उसके आगे अपने कंट्री का नाम लगा दें। अगर आपसे कोई पूछता है इंता वैन रोह, यानी आप कहाँ जा रहे हैं, अना रोह बकाला। बकाला मतलब दुकान, मैं दुकान जा रहा हूँ। या आप काम पे जा रहे हैं तो आप बता दें अना रोह शगुल, यानी मैं काम पे जा रहा हूँ। मैंने बताया था कि अरबी के लिए गिनती सीखना ज़रूरी है। अगर आप बकाला में जाते हैं, आपको कोई सामान चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको रोटी चाहिए अना इबगा वाहिद खुबुस। अगर आपको एक चाहिए तो आप एक बोलेंगे अना इबगा वाहिद खुबुस। या दो चाहिए तो आप दो बोलेंगे अना इबगा इतनीन खुबुस। या कोई और सामान चाहिए तो आप उसका नाम लेके, अगर नाम नहीं पता है तो आप ये बोल सकते हैं अना इबगा हादा, उसको दिखा के, यानी मुझे ये चाहिए। अगर आपको साबुन चाहिए तो साबुन को यहाँ पर भी साबुन ही बोलते हैं, आप बोलेंगे अना इबगा साबुन, मुझे साबुन चाहिए। आपसे कोई पूछता है एश इबगा इंता, आपको क्या चाहिए, ला मा इबगा शे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह बोलने का एक और तरीका भी है, इंता इबगा शे, आपको कुछ चाहिए, जवाब वही सेम है, ला मा इबगा शे, शुक्रान, थैंक यू। अगर आपको कहीं जाना है, आपको कोई हिंदी नहीं मिल रहा है बताने वाला, तो आप किसी सऊदी से पूछते हैं तो आपको इस तरह से पूछेंगे अना इबगा रोह हिना, यानी आप उस जगह का नाम बता के उससे पूछ सकते हैं अना इबगा रोह हिना, यानी मुझे यहाँ जाना है। आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं हादा मकान वैन, मकान जगह को बोलते हैं, ये जगह कहाँ पे है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें। कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछें, उसके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।